शहीद मेजर दुर्गा मल को पुष्पांजलि। उत्तराखंड रूड़की आजाद हिंद फौज के शहीद मेजर दुर्गा मल की पुण्यतिथि का आयोजन रुड़की के शहीद मेजर दुर्गा मल पार्क में किया गया। इस मौके पर रुड़की भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा, गौरव गोयल और गोरखा समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सभी लोगों ने पुष्प चढ़ाकर शहीद दुर्गा मल को श्रद्धांजलि दी और साथ ही उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। मौके पर मौजूद रहे रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा ने शहीद दुर्गा मल के जानकारी देते हुए कहा कि हम लोग आज यहां शपथ लेते हैं कि हम देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे। सभी लोगों ने शहीद दुर्गा मल की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। वहीं मौके पर मौजूद रहे रुड़की के लोकप्रिय नेता गौरव गोयल ने बताया कि 75वीं पुण्यतिथि पर आज शहीद दुर्गा मल को सभी ने श्रद्धांजलि दी है और उनको याद करते हुए बताया कि चंद्रशेखर आजाद की फौज आजाद हिंद फौज में मेजर रहे दुर्गा मल ने देश की आजादी के लिए कार्य किया और देश को आजाद करने में अपना योगदान दिया था। इस मौके पर गोरखा समाज के कई लोग और महिलाएं मौजूद रहीं। मंच पर आए सभी लोगों ने शहीद दुर्गा मल को पुष्प अर्पित किए। हमारे देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान किया, जिन लोगों ने अपना जान आहुति कर दी, तो उन लोगों को याद करने के लिए उनसे कुछ सीखने के लिए ये पार्क का निर्माण किया गया और आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। समाज के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और आज ये संकल्प है कि हम लोग देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे और देश के लिए समर्पित रहेंगे। आज आज़ाद हिंद फौज के मेजर रहे शहीद दुर्गा मल जी की 75वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। गोरखा समाज जो शुरू से ही देशभक्ति की भावना से ओत रहा है, सीमाओं पर देश की सुरक्षा का मुख्य भाग गोरखा रेजिमेंट जैसे सुरक्षा एजेंसी पर रहता है सुरक्षा, और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से उनका दिया हुआ बलिदान जो आज ही के दिन 1944 में 25 अगस्त 1944 को जो बलिदान हुए, आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा फांसी दी गई दिल्ली कारागार में, मणिपुर से गिरफ्तार करके आपकी जो पोस्टिंग थी वो रंगून बर्मा में एज अ मेजर थी, डोईवाला में आपका जन्म हुआ 1913 में। लगातार आपने देशभक्ति की भावना से आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन किया और चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में आपने इस देश को आज़ाद कराने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। आज सभी लोग, गोरखा समाज के लोग, नगर के प्रबुद्ध नागरिक, सभी लोगों ने मल जी को, दुर्गा मल जी को सच्चे श्रद्धांजलि दी है और वास्तव में उनके बताए हुए मल पर जो आज़ादी हमें मिली है, जो संघर्षों के बाद लंबे समय आज़ादी हमें मिली है, हमारा प्रयास है कि निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त समाज हो और जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र के अंदर काम कर रहा है पूर्ण दक्षता और ईमानदारी के साथ करे, ऐसी हमने सब लोगों से कामना की। ईश्वर से कामना, वो जहाँ भी हो, जिस रूप में भी हो, ईश्वर उनको सद्गति।